सो हेलो एवरीवन, दिस इज नबील खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में हम लोग अपना रजिस्टर का पेज बना लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं। सो बिना इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना वीएस कोड और यहाँ पर क्लाइंट के फोल्डर में जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में और यहाँ पर लॉगिन के पेज में login.jsx में। तो यहाँ से मैं एच1 मिटा दूंगा और रजिस्टर के पेज से मैं अपना कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। तो मैं यहाँ से div कॉपी कर लूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैं क्लास नेम चेंज कर दूँगा, इंस्टेड ऑफ रजिस्टर पेज मैं यहाँ पे कर दूँगा लॉगिन पेज और यहाँ पर मैं कर दूँगा लॉगिन विद योर अकाउंट। और लॉगिन पेज में मुझे ये नेम का फील्ड नहीं चाहिए, सो इसे मैं मिटा दूंगा यहाँ पर। और इमेज में हम लोग यहाँ पर लॉगिन का इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने इमेज को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। सो मैं इसका नाम रखूँगा लॉगिन इमेज फ्रॉम इमेजेस एंड लॉगिन डॉट png। और हम लोग इसे यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ रजिस्टर इमेज हम लोग यहाँ पर कर देंगे लॉगिन इमेज। और css की फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी है, आप लोगों को ये कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गिटहब रेपो का। सो यहाँ से हम लोग अपना css फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ लिख दूंगा इंपोर्ट लॉगिन डॉट css और हम लोग जाएंगे अपने वेब पेज पर और देखेंगे। सो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं हमारा लॉगिन पेज यहाँ पर तैयार हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।